हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंचल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। फाइनली 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 आज यो हॉल आ गया है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत सब्सक्राइबर कब से वेट कर रहे हैं आज यो हॉल का, तो आज फाइनली आज यो हॉल आपके सामने हाजिर है। सो तोहफा कबूल कीजिए। थोड़ा ज्यादा कॉमेडी हो गया है, सॉरी। तो आज यो हॉल को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, मैंने सेल में बाय किया था, जो भी सेल चल रहा था तब इंडिपेंडेंस डे का सेल था। और दूसरी बात कि वहां पे आप जाओगे, जब कार्ट में डालोगे, मेरे खुद के पैसे का है, स्पॉन्सर नहीं है, इसीलिए इतने डिटेल में ही बता रही हूँ। तो वहां कार्ट में डालोगे तो वहां पे अप्लाई कूपन आएगा गाइस। वहां पे आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। आई थिंक 1000-2000 समथिंग का मिलता है। आप अगर 2500 से ज्यादा, 3000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हो तो वहां पे कूपन कोड्स होते ही है, तो 1000 तक का मिलता है। वैसे ही मुझे मिला है, मैंने मोस्टली स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। बहुत सारे आएंगे कि झूठ बोलती है, 298 रुपीज से मुझे कुर्तीज पड़ी है, पर कुर्ती जो है वो स्टार्टिंग रेंज इतनी है, उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी। तो आके नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, मेरा कोई फायदा नहीं होता है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, तो मैं आके आपको बताऊंगी, कुछ भी जो है वो ही बताऊंगी और स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, इसके पहले भी किया था, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे लेकिन मैंने वीडियो में नहीं डाले थे, फिर बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी, फिर मुझे कम्युनिटी टैब में डालना पड़ा था, इसलिए इस बार क्लियर कर रही हूँ। मेरी हाइट जो है 5'3" है, मैं जनरली एल साइज बाय करती हूँ और इनर साइज मेरी एम है, लेकिन थोड़ा सा लूज लेती हूँ मैं। 298 से स्टार्ट होता है। अजियो की क्वालिटी स्पीचलेस अमेजिंग है, आंख बंद करके आप ले सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अभी तक मैंने कभी नहीं लिया है। ये फर्स्ट वाली कुर्ती है, ब्लैक कलर की है और इसके अंदर आप देखोगे तो बर्ड्स वाली प्रिंट दी गई है, बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे देखोगे तो इस तरह का है, स्लीव बहुत ही स्टाइलिश है। देखो इसका फैब्रिक गाइस, रेयॉन फैब्रिक है और मोटा सा है, पतला सा बिल्कुल भी नहीं है, चीप क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्राइस, इसकी ब्रांड स्क्रीन पे मिल जाएगा, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप बाय कर सकते हो। फ्रंट साइड में देखोगे तो इस तरह के बटन्स हैं ऊपर से नीचे तक, एवरीडे के लिए गाइस बेस्ट है, बेस्ट है, मेरी तरफ से यस है। ये मुझे 298 में पड़ी है, ओनली 298, सो ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है, क्वालिटी वाइज अमेजिंग है। आगे से थोड़ी ऊपर, पीछे से थोड़ी नीचे, अप एंड डाउन पैटर्न में है। इसमें भी बहुत सारे प्रिंट, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, लेकिन मुझे एक चाहिए था, वो सोल्ड आउट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने ये चूज किया था। पीछे भी ऑल ओवर ऐसा है, तो ये मुझे बहुत पसंद आई है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। उसके बाद की है ग्लोबल देसी की है, उसमें भी था डिस्काउंट था तो मैंने ली है। रेड कलर की है, ये कैजुअल के लिए बेस्ट है, कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। ये मैं बता दूँ, रेड ही है, ब्राइट रेड कलर है, इस तरह का है। आगे देखोगे इस तरह के बटन्स है, यहाँ पे ऐसी पैटर्न है टेसल टाइप की थोड़ी सी। स्लीव देखोगे तो इस तरह की है, बहुत ही अच्छी है। इसका फैब्रिक बता दूं आपको, रुको, ये आपको दिख रहा है ऐसा लाइनिंग लाइनिंग वाला फैब्रिक है, क्लोजअप में देखो आप, लेकिन ये चुभने वाला नहीं है। आई थिंक ये रेयॉन है या कॉटन है, रेयॉन मटेरियल है, कॉटन नहीं है, रेयॉन है सॉफ्ट वाला। तो इस तरह का क्लोजअप में देखोगे ना तो ऐसी दिखेगी, बहुत ही प्यारी है, सिंपल है, सोबर है, मुझे पसंद आई। लॉन्ग स्ट्रेट कट है इस तरह की, ये लॉन्ग है, ब्लैक वाली थी वो मीडियम थी, इतनी भी शॉर्ट नहीं थी। मैं पहनूंगी, आप ट्रायल में देख लेना, मेरी 5'3" है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ तक जाएगा। पीछे भी प्लेन है पूरी, इसके नीचे व्हाइट कलर का प्लाजो बहुत ही प्यारा लगेगा, व्हाइट कलर का ट्राउजर पैंट पहन सकते हो, व्हाइट कलर का प्लाजो पहन सकते हो, डेनिम जीन्स पहन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ब्लू है तो आप डेनिम भी पहन सकते हो। टीनेजर के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए भी अच्छा है, हाउस वाइफ हो तो भी अच्छा है, तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। और ब्रांड का तो बोलना ही क्या, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद है ये जो है वो अनारकली है, ये फेस्टिव, मैंने एक्चुअली में मिक्स कॉम्बिनेशन लिया है, थोड़ा कैजुअल लिया है, थोड़ा फेस्टिवल लिया है। फर्स्ट टाइम लिया था तो सोचा कि दोनों टाइप का मैं बाय करके देखती हूँ कैसा आता है। और ये पार्ट वन है गाइस, बताना भूल गई, पार्ट टू भी आएगा, अभी मुझे डिलीवर नहीं हुए, जितने डिलीवर हुए उतने का मैं वीडियोस बना के आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको लेना हो तो आप जल्दी जल्दी ले सको। ये जो है वो कौन सा कलर है, पिंक मरून टाइप का कलर है, इसके अंदर गोल्डन प्रिंट है, आगे से इस तरह का है। इसके स्लीव देखोगे तो ऐसी है, ये फेस्टिवल के लिए बेस्ट है, आप ले सकते हो। अप एंड डाउन टाइप का है,
इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा है और ये जो है वो मुझे बहुत बड़ा होने वाला है, देख के ही लग रहा है। देखो इस तरह का है, नीचे से बहुत ही प्यारा लुक आएगा, इस तरह का आएगा, बहुत स्टाइलिश लगेगा। इसके नीचे आप गोल्डन बेज कलर का ट्राउजर वगैरह प्लाजो वगैरह पहनोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लोजअप में इस तरह की लगती है इसकी प्रिंट, और दूर से इस तरह की ये बॉर्डर जो है और ये पिन डाउन पैटर्न है वो बहुत प्यारी लग रही है। फेस्टिवल के लिए डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। पीछे देखोगे तो पीछे इस तरह का है पूरा, बहुत ही अच्छी पैटर्न है और मस्ट बाई है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। ये देखो पीछे भी सेम ऐसा ही है। सो मेरी तरफ से यस है, मुझे तो सारी कुर्तीज बहुत ही पसंद आई है। और इसका भी फैब्रिक गाइस कॉटन रेयन टाइप का है, चुभने वाला नहीं है, गर्मी में भी पहन सकते हो वो टाइप का है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और ये जो मैंने पहना है वो बीबा का पहना है, उसका भी हॉल आने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड, सिर्फ अंडर 500 में है। सो आप लोग देखने में एक्साइटेड है तो स्टे कनेक्टेड। और कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया बता देना नीचे कमेंट करके, और आजियो के और भी हॉल्स देखना चाहते हो वो भी बताना। रिक्वेस्ट थी कब की तो पूरी कर दी, पार्ट टू भी आएगा, सो स्टे कनेक्टेड, उसमें भी 298 वाली कुर्तीज ही है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ।